एसपीसी कोचिंग द्वारा संचालित अंग्रेजी एट होम चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑपरेटिव सेंटेंस में दी गई हो तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे। बहुत ईजी है, इस वीडियो को देख कर आप पूरी तरीके से इसे समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी एट होम चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ पर इस सेंटेंस में किसी के लिए प्रार्थना की गई हो या किसी को आशीर्वाद दिया गया हो या किसी के लिए श्राप दिया गया हो। इस टाइप की जो बातें होती है उस टाइप की बातों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए ये मे से या विश इन चीज़ों से शुरू होता है। कहीं कहीं बार मे नहीं भी होता सेंटेंस के अंदर तब भी आपको मान लेना है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो अब हम बना के देखते हैं ये जो सेंटेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा है प्रियंका सेड मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पर देखिए प्रियंका ने तुम्हारे लिए यू के लिए गॉड से प्रार्थना करी है कि भगवान तुम्हारी हेल्प करें। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे का माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात सेंटेंस के अंदर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इसकी जगह पर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो है वो मे के बाद सब्जेक्ट आता है लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर बाद में माइट आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। माइट कब आएगा, जब वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो, अगर ये पास्ट में है तभी इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, बड़ा इजी बनाकर देखते हैं इसे। देखिए प्रियंका अब यहाँ पर सेट की जगह देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रे करी गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है, तो जब यहाँ पर प्रे की गई है तो हम यहाँ पर सेट की जगह प्रेड लिख देंगे, प्रेड लिखेंगे PREAD प्रेड। उसके बाद आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज़ करना है, यहाँ पर कॉमी की जगह दैट लिखना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा मे गॉड की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और लिखेंगे गॉड, मे कहा हो जाएगा माइट MIGHT माइट, बचा हुआ हेल्प, ये पर्सन का जो रूल है वो काम करेगा। यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को देखेगा, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसे मान के चलिए वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। जैसे कि यहाँ पर प्रियंका सेड टू मी होगा यहाँ पर, ठीक है, अपने को एज्यूम करके चलना यहाँ पर टू मी है। तो अब ये जो यू है ये मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा मी। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा और यहाँ पर लास्ट में आपको लगाना फुल स्टॉप। तो ये बन गया प्रियंका प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इसके बाद देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू हिज एनिमी मे यू डाई सून। अब देखिए अगेन यहाँ पर सेड पास्ट वर्ब है तो ये मे का हो जाएगा माइट, मे का माइट हो जाएगा। इसके बाद इनको हमें अदला बदली कर देना इधर का उधर और इसको करके फुल स्टॉप कर देना, इसकी जगह दैट यूज करना है, दैट्स इट, इतना ऐसे में हमारा काम हो जाएगा। तो ही, अब देखिए यहाँ पर यू मे डाई सून ये कोई अच्छी बात नहीं सोची गई है, किसी को श्राप दिया गया है, श्राप को हम कहते हैं कर्स, ठीक है, कर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कर्स की सेकंड फॉर्म कर्स्ड यूज होगी, कर्स्ड, इसके बाद टू नहीं आता है, हिज एनिमी दैट यू पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यू सेकंड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस यानी कि ही, इसका एनिमी, एनिमी हम इसको लड़का माने तो यहाँ पर लिख देते हैं ही और मे का कर देते हैं माइट,
डाई सून, इसके बाद आपको लगा देना फुल स्टॉप और ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसके बाद आज का आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है फादर सेड टू राजीव मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पर किसी के लिए विश की गई है, ठीक है, कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ, ऐसी हम विश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये सैड है, सैड है और साथ ही ये विश की गई है, तो इसकी जगह हम विश्ड का यूज करेंगे, विश्ड। और मे का हो जाएगा माइट, MIGHT माइट, ठीक है। इनको अदला बदली कर देंगे, उसके बाद इन लाइफ, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई दिक्कत नहीं है, अदर वर्ड्स है, तो चलिए फादर विज्ड राजीव, कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज करेंगे और यू राजीव के लिए ही बन जाएगा, ठीक है। ही माइट गेट सक्सेस इन लाइफ, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो बेसिकली जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा हो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा गया हो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो मे का माइट कर दीजिए, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा दीजिए और मे प्लस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट प्लस माइट, ठीक है, इसका यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपको जो नॉर्मल हमारे रूल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो इसी तरीके से फॉलो होंगे, जैसे आई और बी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और अगर यू यानी कि सेकंड पर्सन यूज़ हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बाकी रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, होप अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आगे किस टाइप की वीडियोज़ आप चाहते हैं ये भी हमें बताते रहिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको किन चीज़ों की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जल्दी से वहाँ देखिए और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो संपर्क करें।